ओके, तो मेरे पास सभी एक एसरॉक का G31M डैश VS का मदरबोर्ड आया। तो ये डेड है, तो पहले इसे क्लीन कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो इतना काफ़ी है। ओके, तो इसका पावर कनेक्टर लगा देता हूँ। ये 12 वोल्ट का VRM सप्लाई कनेक्टर। ओके, एक फैन भी लगा देते इधर। तो इसमें प्रोसेसर नहीं है, इसके पिंस। ओके, तो इसमें डेमो के लिए ये प्रोसेसर लगा रहा हूँ, टेस्टिंग के लिए। फिलहाल इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसे ऑन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर फ्रंट पैनल का कनेक्शन है, इसे मैंने प्रेस किया पर नो पावर एट ऑल। फिर से एक बार ट्राई कर लेते, नहीं पावर ऑन नहीं हो रहा है। एक बार VRM सप्लाई को कैन निकाल के चेक करते हैं। ओके, तो ये VRM सेक्शन के वजह से भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक बार यहाँ पर हमारे जो वोल्टेजेस होते हैं, कोई IC हीट हो रहा है क्या देख रहा हूँ। फिलहाल तो कोई हीटिंग नहीं है। यहाँ पर एक वोल्टेज रेगुलेटर है, यहाँ पर भी है। ओके, तो फिलहाल सबसे पहले पावर बटन के पिन पे 3.3 मिल रहा है। ओके, ये 3.3 मतलब स्टैंड बाय वोल्टेज हमारा बन रहा है। मुझे इसका स्कीमेटिक निकाल के यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या इश्यूज़ है, तो इसे मैं चेक करता हूँ। फिलहाल इस वाले बोर्ड में मैंने इसमें पावर बटन का जो भी IO पे पिन होता है वहाँ पर चेक किया, वोल्टेज 3.3 आ रहा है। जब मैं यहाँ पर शॉर्ट करता हूँ वहाँ पर भी वो जो ग्राउंड हो रहा है, मतलब वहाँ पर वोल्टेज 0 रहा है। बाद में उसके बाद मैंने यहाँ पर रिसेट जो चेक होता है वो चेक किया, RMS रिसेट, तो वो भी 3.3 अवेलेबल है। उसके बाद हमारा पावर ओके का जो होता है PS ऑन, तो वो भी चेक किया। वो जब हमारा बोर्ड ऑन होता है वो ग्राउंड हो जाता है, जब बोर्ड ऑफ रहता है वहाँ पर वो 5 वोल्ट रहता है। बोर्ड तो हमारा फिर भी ऑन नहीं हो रहा है। तो मैंने हॉट टेस्टिंग भी किया जिसमें ये हीट नहीं हुआ, पर मुझे लगता है इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है हमारे IO में, तो IO को हमें बदल के ही चेक करना होगा। तो फिलहाल इसे निकाल के मैं चेंज करके आपको बता रहा हूँ। तो इस बोर्ड में हमने चेक किया था कि हमारे बोर्ड ऑन नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज हमें RMS रिसेट, PS ऑन और इसका जो पावर बटन का वोल्टेज था वो सब चेक किया, पर ये इसमें कुछ तो फॉल्ट होगा ऐसा है वो में। तो ये देखिए, ये वाली पुरानी वाली IO है मेरी, तो मैंने इसमें स्क्रैप बोर्ड से एक IO लगा दिए। फिलहाल इसे ऑन करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसे ऑन किया, बोर्ड ऑन हो चुका है। यहाँ पर कोडिंग भी चेंज हो रही है, इसको मैंने BIOS भी एक बार प्रोग्राम कर लिया है। और हमारा डिस्प्ले देख लेते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले भी आ चुका है। यहाँ पर कोडिंग अब फिलहाल 0-0 है, मतलब हमारा डिस्प्ले आना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर मेरा डिस्प्ले भी आ चुका है। ये देखिए, मेरा डिस्प्ले भी आ चुका है और मेरा बोर्ड भी ओके कंडीशन में। तो सिर्फ इसमें SIO का प्रॉब्लम था जो कि हमने चेंज किया है। चेंज करने के बाद ये बोर्ड ओके हो गया। थैंक यू।